आज की इस वीडियो में सीखेंगे इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या एग्जांपल होता है, क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, एक एक करके इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ वेयर फॉर, इसका मतलब होता है जिस कारण से, जिस कारण से मतलब यूज करेंगे वेयर फॉर। सुरेश बीमार था जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया। सुरेश वाज सिक वेयर फॉर ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। तो वेयर फॉर का यूज किया जा रहा है सेंटेंस में एक कंजंक्शन के तरह, जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया। इट वॉज रेनिंग वेयर फॉर आई कुड नॉट वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट वॉज रेनिंग एक सेंटेंस है, एक क्लाउज है, आई कुड नॉट वर्क एक क्लाउज है, और इसके बीच में प्रयोग किया गया है वेयर फॉर, इसका मतलब है जिस कारण से, और ये दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है। अमरेश अंग्रेजी नहीं जानता था जिस कारण से उसे उस कंपनी में नौकरी नहीं मिला। अमरेश डिड नॉट नो इंग्लिश वेयर फॉर ही डिड नॉट गेट अ गुड जॉब ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। ऐसे बोल सकते हैं अमरेश डिड नॉट नो इंग्लिश वेयर फॉर ही डिड नॉट गेट अ जॉब इन दैट कंपनी। यहाँ पर वेयर फॉर का मतलब है कि जिस कारण से। अमंगस्ट, अमंगस्ट का मतलब होता है लोगों के बीच, जैसे कि के बीच के लिए तो हमारे पास बिटवीन भी है, अमंग भी है और अमंगस्ट भी है। तो क्या डिफरेंस है? अमंगस्ट का मतलब होता है लोगों के बीच जो निश्चित नहीं हो कि कितनों के बीच हो, जैसे भीड़ के बीच, तो भीड़ में कितने हैं निश्चित नहीं है, ऐसे बोलेंगे। जैसे सेंटेंस है मैं लोगों के बीच बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अमंग पीपल। अमंगस्ट मी पीपल मतलब उस जगह लोगों के बीच जो निश्चित नहीं है लोग, अब कितने हैं नंबर में तो नहीं बता सकते। सुरेश बच्चों के बीच सो रहा है, सुरेश इज स्लीपिंग अमंगस्ट द चिल्ड्रन। यहाँ पर बच्चों के बीच है, अब कितने बच्चे हैं ये नहीं पता। प्रिया भीड़ में बैठी थी या भीड़ के बीच में बैठी थी। अब यहाँ पर भीड़ के बीच में, अब भीड़ कितना है, कितने लोग हैं उसमें पता नहीं है, तो प्रिया वो सिटिंग अमंगस्ट द क्राउड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। देखिए अगर आप बिटवीन का यूज करते हैं तो वो होता है दो के बीच, दो के बीच होता है। अगर आप अमंग यूज करते हैं तो वो होता है दो से ज्यादा के बीच, और अमंगस्ट जो कि अनिश्चित है कितने लोगों के बीच, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। एज नाउ का मतलब है अभी भी, अभी भी मतलब एज नाउ, जैसे वो अभी भी खेल रहा है, ही इज प्लेइंग एज नाउ। अब देखिए एज नाउ सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है उसको लास्ट में आप इसे यूज कर लेंगे। प्रिया अभी भी पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग एज नाउ, ऐसे बोल सकते हैं। रमेश अभी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, रमेश इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अदर वर्ड प्लस एज नाउ, ऐसे सेंटेंस बनाए जा रहे हैं। तुम लोग अभी भी वहां जाते हो, यू गो देयर एज नाउ, यू गो देयर एज नाउ, तुम लोग अभी भी वहां जाते हो, ऐसे सेंटेंस बनाना काफी आसान है। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में, विरोध में मतलब अगेंस्ट का यूज करेंगे। जैसे रोहन राजनीति के विरोध में है, रोहन इज अगेंस्ट पॉलिटिक्स। मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ, आई एम अगेंस्ट द करप्शन, आई एम अगेंस्ट द करप्शन, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ। तो ऐसे सेंटेंस बन सकता है ना, जब आप किसी के विरोध में हैं, जब आप किसी चीजों के विरोध में हैं, तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं अगेंस्ट वर्ड का। पिंकी इस काम के विरोध में है, पिंकी इज अगेंस्ट दिस वर्क। तो सेंटेंस ऐसे ही कई सारे आप बना सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस ऐसे आसानी से बनाया जा सकता है। अलोंग साइड, अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे पर या किनारे के साथ साथ, जैसे कि
कुत्ता नदी के किनारे जा रहा था, तो द डॉग वॉज गोइंग अलोंग साइड द रिवर। मैं सड़क के किनारे जा रहा था, आई वॉज गोइंग अलोंग साइड द रोड। कुत्ता पुल के किनारे सो रहा है, द डॉग इज स्लीपिंग अलोंग साइड द ब्रिज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के किनारे हो जाए या किनारे के साथ साथ हो जाए, तो मतलब कि रोड के किनारे हो, आप पुल के किनारे हो, नदी के किनारे हो या कोई भी चीजों के किनारे हो, वहां पर अलोंग साइड प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सड़क के किनारे हैं और किनारे में कोई चीज है, तो किनारे में कुछ हो रहा है, ट्रक खड़ा है, जाने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। ये टू बी इसका मतलब है अभी भी कोई काम करना बाकी है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि सड़क बनाया जाना अभी बाकी है, तो सेंटेंस बनेगा द रोड इज येट टू बी बिल्ट। ये बिल्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और येट टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कि कौन सा काम किया जाना बाकी है। कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है, द रूम इज येट टू बी पेंटेड। द रूम इज येट टू बी पेंटेड, कमरा पेंट किया जाना अभी बाकी है। तो इसे हम बना सकते हैं आम तोड़ा जाना अभी बाकी है, द मैंगो इज येट टू बी प्लग्ड। ये प्लग्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये पेंटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। किताब खरीदा जाना अभी बाकी है, द बुक इज येट टू बी बॉट। ये बॉट भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये द बुक, द मैंगो, द रूम, द रोड, ये सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। अमंग, अमंग का मतलब होता है बीस में, जो दो से अधिक के बीच हो, दो से अधिक हो। जब दो से अधिक होगा तो प्रयोग करेंगे अमंग। जैसे मैं अमन, सुमन और सुरेश के बीच में सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग अमंग अमन सुमन, यहां पर बोल सकते ना आई वॉज अमंग अमन सुमन एंड सुरेश। रवि रोहित अमरेश और प्रिया के बीच में किताब पढ़ रहा है, तो रवि इज रीडिंग द बुक अमंग रोहित अमरेश एंड प्रिया। तो अमंग के बाद आपका तीन आना चाहिए, कम से कम तीन, दो से अधिक, मोर देन टू होगा। रोहित एक, अमरेश दो और प्रिया तीन, तो तीन है, यहाँ पर अमंग का प्रयोग कर सकते हैं। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंध में या फिर बोल सकते हैं बारे में। बारे में के लिए आप अबाउट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिगार्डिंग का यूज करेंगे। जैसे मैं उस घटना के संबंध में जानना चाहता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू नो रिगार्डिंग दैट एक्सीडेंट। रिगार्डिंग मतलब संबंध में, दैट एक्सीडेंट मतलब उस घटना के। वो इस मोबाइल के संबंध में पूछ रहा था, ही वॉज आस्किंग रिगार्डिंग दिस मोबाइल। ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहा था रिगार्डिंग के संबंध में दिस मोबाइल, इस मोबाइल के। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के दौरान तो आप किसी एक्शन वर्ब के साथ भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग करेंगे किसी नाउन के साथ प्रयोग करेंगे, और ये ड्यूरिंग शब्द किसी नाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब के साथ प्रयोग नहीं किया जाता। वो गर्मी के दौरान गांव आता है, he comes to village during the summer। ठीक है, he comes to village, वो विलेज आता है, गांव आता है, किसके दौरान, गर्मी के दौरान। ये गर्मी जो है ये सेंटेंस में एक नाउन का काम करेगा, तो सेंटेंस बनेगा ड्यूरिंग द समर। मैं बुखार के दौरान घर पर था, आई वॉज एट हाउस ड्यूरिंग फीवर। ये फीवर शब्द भी नाउन है, इस वजह से ड्यूरिंग के बाद प्रयोग किया गया है। रमेश मीटिंग के दौरान घर चला आया, रमेश वेंट अवे। अब यहाँ पर घर से लाया, यहाँ पर अगर रमेश वेंट टू हाउस, रमेश वेंट टू हाउस, अवे शब्द को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। रमेश वेंट टू हाउस ड्यूरिंग द मीटिंग, रमेश मीटिंग के दौरान घर से लाया। ऐसे सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं।
एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है उसे छोड़कर या को छोड़कर, ऐसे बोलते हैं। जैसे यह किताब को छोड़कर उसके पास कई किताबें हैं, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज मैनी बुक्स एक्सेप्ट दिस बुक। मतलब यह किताब छोड़कर के मतलब है कि यह किताब उसके पास नहीं है, यह किताब उसके पास नहीं है। इसका मतलब छोड़कर का मतलब है कि कोई चीज उसके पास नहीं है, उसके बजाय, इसके बदले, इसके स्थान पर उसके पास दूसरा कोई चीज है। जैसे मेरे पास यह बाइक छोड़कर बहुत सारी चीजें हैं, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई सारी चीजें हैं, ये मेरे पास हैं, एक्सेप्ट दिस बाइक, इस बाइक को छोड़कर, मतलब ये बाइक मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, लेकिन गति कर रहा हो, जहां पर मोशन की बातें हो, जहां पर स्पीड की बातें हो, वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ऊपर के सेंस में। जैसे कि प्लेन शहर के ऊपर उड़ रहा था, तो द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द टाउन। पक्षियां नदी के ऊपर उड़ रही है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। यदि ओवर द रिवर, नदी के ऊपर, नदी के ऊपर तो काम हो रहा है, लेकिन उसमें गति हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो गति हो रहा है। ओवर द टाउन, शहर के ऊपर, यहाँ पर भी उड़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी गति की बातें हो रही है। जब गति होगा तो ओवर प्रयोग करेंगे ऊपर के सेंस में। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, के पार मतलब बियॉन्ड। जैसे इस नदी के उस पार एक मंदिर है, तो सेंटेंस बनेंगे देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस रिवर। बियॉन्ड दिस रिवर मीन्स नदी के उस पार, नदी के पार। बाजार के पार क्या क्या है, मतलब बाजार के उस पार, मार्केट के उस पार क्या क्या है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल इज बियॉन्ड द मार्केट। व्हाट ऑल मतलब क्या क्या है, क्या क्या इज बियॉन्ड द मार्केट, बाजार के उस पार है। ऑन टू, ऑन टू का मतलब है के ऊपर। जैसे कि बच्चे जमीन के ऊपर कूद रहा है, द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन टू द ग्राउंड। ऑन टू का प्रयोग वहां पर करेंगे जहां पर मोशन का बातें होगा, जहां पर गति का बात होगा। वो छत पर कूदा, तो किससे कूदा भाई, हो सकता है कि वो पेड़ से कूदा, तो किस पर कूदा, छत पर। तो इस पर के लिए जो शब्द है वो है ऑन टू। जैसे ही जंप्ड ऑन टू द रूफ, ही जंप्ड ऑन टू द रूफ, वो छत पर कूदा, इससे बना सकते हैं। अगला शब्द है इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ, मतलब अंदर। मैं अंदर की तरफ आया, आई केम इनसाइड। रवि अंदर की तरफ सो रहा है, रवि इज स्लीपिंग इनसाइड। प्रिया अंदर की तरफ पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग इनसाइड। इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ, मतलब अंदर, तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.